अगर किसी और को टिकट देते तो वो इतनी उगाही नहीं कर सकता था यहाँ से। अवैध उगाही का जितना रैकेट कुलदीप कुमार के पास है, इतना रैकेट किसी के पास नहीं है। एक टॉयलेट बनवाया विधायक कोटे से, उस टॉयलेट को हबीब कबाड़ी को विधायक कुलदीप कुमार ने 15,000 रुपये महीने किराए पर दे दिया। उनमें से जो विशेष समुदाय नाबालिग बच्चों से, किसी को चाकू लगवा देना, किसी को कुछ करवा देना, मुझको भी धमकियां मिली थी। कुलदीप कुमार कितना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, कितना एक विशेष समुदाय के लिए फर्जी वोटों का रैकेट बनाने वाला आदमी है ये, इसको इसीलिए यहाँ से टिकट दिया गया है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसे लेकर हर एक पार्टी ने अपनी तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। पार्टियों ने टिकट देने का काम भी शुरू कर दिया है और अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इसी बीच में देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर जो 4-3 का फार्मूला, जो 4-3 के ऊपर उनकी सहमति हुई थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसे भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम बात करने जा रहे हैं आज जो उनकी ईस्ट दिल्ली की सीट के ऊपर घोषणा हुई थी, वो यहाँ के कोटली विधानसभा के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार जी, उनको उन्होंने अपना संसदीय उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर हम बात करने जाएं इस उम्मीदवारी के ऊपर, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुलदीप कुमार जी वही व्यक्ति हैं जिनके जो पहले पार्षद रह चुके थे, फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, विधायक बनाया और पार्टी ने अब एक ऐसी सीट से, ऐसी जनरल सीट से जिसका ढिंढोरा भी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल जी वो पीटते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सीट से अपने अनुसूचित उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है जो सामान्य थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्यों उन्होंने एक ऐसी सीट से अपने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है कि जो एक अनुसूचित जाति का है। और सोशल मीडिया पर भी कई बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि उनके पिता को दिखाया जाता है कि वो सफाई कर्मचारी हैं, वो उनको झाड़ू लगाया दिखाया जाता है कि वो कितने कर्मठ ईमानदार परिवार से हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, ये तो तभी पता लगेगी जब यहाँ पर हम इस विधानसभा के अंदर आएंगे, संसदीय क्षेत्र के अंदर आएंगे और बात करेंगे उनके विधायक की। तो इसी बीच में आज इसी तमाम बातों के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जाने माने सोशलिस्ट एक्टिविस्ट और बहुत कर्मठ व्यक्ति मनोज कुमार भाटी जी। चलिए जुड़ते हैं और बात करते हैं आज की इसी पूरी चर्चा पर। भाटी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। भाटी जी, यहाँ से आपके जो विधायक को संसदीय उम्मीदवार का आम आदमी पार्टी ने वो बनाया है उम्मीदवार, तो कितनी खुशी है आपको या कितना हैरानी वाली बात है? इसमें शक भी है और अचंभा भी होता है क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है जैसा कि अब इस टाइम हुआ है। लेकिन इसका कारण क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। कारण ये है कि इस क्षेत्र से जितनी अवैध उगाही कुलदीप कुमार के द्वारा की जा सकती है आम आदमी पार्टी को, कोई भी अगर किसी और को टिकट देते तो वो इतनी उगाही नहीं कर सकता था यहाँ से। अवैध उगाही का जितना रैकेट कुलदीप कुमार के पास है, इतना रैकेट किसी के पास नहीं है। अब एक चीज़ आप, अभी मैंने आपसे सुना है कि इनके पिताजी झाड़ू लगाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये एक बात बताएं मुझे, 15 साल 10 साल तो ये हो ही गई, 10 साल ये, और इनकी उगाई 1/12 गज के लैंड, जब ये निगम पार्षद था 12 गज में लैंटर डलता है, या जितनी भी जे कॉलोनी है 20,000 पर लैंटर पे इसके पास पहुंचता था, निगम पार्षद था जब ये कुलदीप कुमार, 12 गज की प्लॉट के ऊपर लैंटर डलता था, एमसीडी को लग जाता था इसको, इसकी पर लैंटर पर। अब इतनी उगाही के बाद, उसके बाद मंडियों से उगाई, उसके बाद तुम्हारे जो ये मुर्गे काटने वाले हैं, मंडी मतलब कौन सी, ये फूल मंडी भी यहाँ पर है? नहीं, मुर्गा मंडी है, तुम्हारी बकरा मंडी है, यहाँ भैंस मंडी है, मछली मंडी है, जितने मतलब एक विशेष समुदाय है
जो इनके लिए उगाही करता है। इसका एक ड्राइवर है मेहताब, जो इसकी पर्सनली गाड़ी चलाता है, सरकारी गाड़ी नहीं पर्सनली गाड़ी। विधायक साहब ने ड्राइवर रखा हुआ है, लेकिन उनके पिताजी वही सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। ये आप भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है, सभी समझदार हैं कि जो जिसके पास 3 से 4 गाड़ियां हों और 3 से 4 ड्राइवर हों, उसका बाप झाड़ू लगाएगा क्या? जिसकी कमाई जो 10 साल से 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है विधायक को, दिल्ली के को, उसका बाप झाड़ू लगाएगा? झाड़ू देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे क्या सफाई कर्मचारी हैं? ये सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए, जनता का क्या क्या करें, थोड़ा सा वो लूटने के लिए कि भाई जनता पागल बन जाए इनके, उससे एक अपने वो इमोशनल जो भी है अपने एक थोड़ा सा अपनी सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि आजकल MCD में जितनी धांधलेबाजी चल रही है उतनी कहीं भी नहीं है, तो उस चीज़ को दिखा के ये कर रहे हैं। एक मैं बताता हूँ, ये सफाई कर्मचारी का बेटा है कुलदीप कुमार, विधायक कोटे से गाजीपुर डेयरी फार्म में सी ब्लॉक के बाहर एक टॉयलेट बनवाया विधायक कोटे से। उस टॉयलेट को हबीब कबाड़ी को विधायक कुलदीप कुमार ने 15,000 रुपये महीने किराए पे दे दिया। कट्टर ईमानदार जिसका बाप सफाई कर्मचारी है, वो एक टॉयलेट को भी किराए पे दे रहा है विधायक कोटे से बना के, जनता के पैसे से बना के। सांसद है वो, और सांसद के लिए लड़ने जा रहा है वो, जो विधायक है वो सांसद के लिए लड़ने जा रहा है, 15,000 रुपये टॉयलेट का किराया ले रहा है। उगाही के लिए 2,000 से अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। गाजीपुर डेयरी फार्म में मरे हुए मुर्गे ट्रकों के हिसाब से काटे जा रहे हैं, जिसकी मैंने SDM साहब को कंप्लेंट की, पहले जो SDM साहब थे अब तो नए आए हैं, उन्हें SDM साहब को मैंने कंप्लेंट की। इसने फ़ोन करके, पहले नायब तहसीलदार थे विनोद कुमार जी, इसने फ़ोन करके उनको रोक दिया कि वहाँ आप कार्रवाई नहीं करेंगे मुर्गों पे, मुर्गों की कटाई पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर था कि जिस क्षेत्र में मुर्गा की कटाई खुले में हो रही होगी उस क्षेत्र के SDM पर कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कितने ईमानदार हैं ये, कितने सफाई कर्मचारी हैं ये, इनके पिताजी क्या हैं क्या नहीं हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी नज़र में मुझे कोई गुरेज नहीं है इस चीज़ को कहने की, कि अगर इसके खिलाफ आज ED से ACB से किसी से भी जांच कराई जाए, तो मैं कहता हूं कि अगर जो इल्ज़ाम लगे औरों पे लगे हुए विधायकों पे, तो उनमें सबसे ऊपर कुलदीप कुमार का नाम आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप यहाँ जाके पता कर लीजिए। मैं यहाँ इसके जितने उगाही करने वाले हैं उनके खिलाफ बार बार अभियान चलाता हूँ, जिसकी मुझे धमकियाँ भी मिलती हैं, मुझे जो रास्ते में भी रोका जाता है, और कितना ही होता है MCD वालों को भेज देते हैं मेरे घर पे, कि जाइए भाई उसका घर सील करिए, समझ गए। तो मुझे खूब टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा। कुलदीप कुमार के जितना भ्रष्ट आदमी मेरे जमुनापार में नहीं है। भाटी साहब की और क्या क्या वजह हो सकती हैं कि कुलदीप कुमार जी को टिकट दी गई है? कहीं उन्होंने जो ज़मीन माफिया की बात चल रही थी, ज़मीन जिहाद की बात थी, उसमें भी कहीं उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है? सर मैं बताता हूँ, गाजीपुर डेयरी फार्म में जितनी बोट जेन्युइन हैं, जो यहाँ के वासिंदों की बोट हैं, उससे ज़्यादा कई गुना इन्होंने फर्जी बोट बनवाई हैं यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की। अगर इसको यहाँ से टिकट इसलिए दी गई है कि वो सारी बोटें इसको मिलेंगी, जो इनकी अपनी सोच है, उन्हीं से ये गांजा बिकवाना, स्मैक बिकवाना, दारू बिकवाना, इस चीज़ के खिलाफ मैं कई बार यहाँ रेड करवा चुका हूँ, पकड़वा चुका हूँ, कुछ लोग जेल में भी हैं जिनको मैंने पकड़वाया है। तो ये लोग अच्छा, यहाँ की गाजीपुर की पुलिस को इस पर वो नहीं करती, तो मुझे बाहर की पुलिस से, स्पेशल स्टाफ से या 12 खंबा रोड PG सेल से किसी से रेड डलवा के वो ये कार्रवाई करनी पड़ती है मुझे। और करने के बाद ये लगा लो कि ये सिर्फ फर्जी वोटों के लिए इसे टिकट दिया गया है, कि फर्जी वोटें सारी इसके अंडर आती हैं, और ये लोग जनरल सीट के ऊपर मेरी 55-57 साल की उम्र है, मेरी लाइफ में पहला चांस है कि हमारी इस जनरल सीट से किसी SC विधायक को, मतलब SC आदमी को टिकट दिया गया है।
भाटी साहब, अगर हम बात करें वोटों के ध्रुवीकरण की या वोटों की कैलकुलेशन की, तो ये जो संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से ईस्ट दिल्ली का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम बात करें कितनी मुस्लिम आबादी है, कितनी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के वोट हैं, कितने अदर्स वोट हैं, क्योंकि ये जो है उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उतारा है, क्योंकि कुलदीप कुमार जी अनुसूचित जाति के वो हैं, तो ऐसे के अंदर कुंडली विधानसभा भी रिजर्व कैटेगरी की सीट है, तो ऐसे में कहीं कैलकुलेटेड तो नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम वोट भी एक तरफा आम आदमी पार्टी को मिले और रिजर्व कैटेगरी के वोट भी एक तरफा उनको पड़ें, और ये कहीं सीट को आसानी से निकालने वाली बात हो? सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसके उसमें मतलब अंडर काम करने वाले आदमी हैं, टोटल एक विशेष समुदाय से हैं, मुस्लिम कौम से हैं वो, मुस्लिम। और जो हमारा ये क्षेत्र है कल्याणपुरी क्षेत्र, जो भी इसमें एरिया का आता, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, और जो ज़्यादातर क्षेत्र जो है उसमें बालवियों की समुदाय कुछ ज़्यादा है, उनकी वोटों को लिए, मुस्लिम वोटों के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोटों में मेरे विचार से अगर जेन्युइन इंक्वायरी कराई जाए आज वोटों की, तो 30% वोट कैंसिल हो जाएंगी यहाँ जो, क्योंकि फर्जी वोटें हैं वो टोटल। इन वोटों के चक्कर में ही इसको टिकट दिया गया है, एक विशेष समुदाय का पूरा जो ये रैकेट चला के लेके चलता है। अगर कोई इनके खिलाफ, अगर इन इसके खिलाफ कोई ऐतराज़ उठाता तो करते क्या है कि उनमें से जो विशेष समुदाय है, नाबालिग बच्चों से किसी को चाकू लगवा देना, किसी को कुछ करवा देना, मुझको भी धमकियां मिली थी कि भाई एक साल में जेल से बाहर आ जाएगा चाकू मार के, उसमें अगर आप बार 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 ये चीज़ उठाओगे, लेकिन मैं उठाता रहूँगा, ये कोई नहीं है इसमें। और ये क्लियर है कि एक मैं नहीं, यहाँ जितना गाजीपुर क्षेत्र में अगर आप पूछेंगे तो दबे मुँह यहाँ से 80% आदमी ये बता देगा कि कुलदीप कुमार कितना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, कितना एक विशेष समुदाय के लिए फर्जी वोटों का रैकेट बनाने वाला आदमी है ये, इसको इसीलिए यहाँ से टिकट दिया गया है, और कोई वो नहीं है। ये तो बेमतलब की है कि भाई इसका बाप झाड़ू लगा रहा है, वो लगा रहा है, वो सिर्फ ये बाल्मीकि समाज की वोट लेने के लिए। ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड। जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुके हैं, चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और हर एक पार्टियों ने अपने अपने दाव पेच खेलने शुरू कर दिए हैं। हम दिल्ली की 7 सीटों पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हम एक एक उम्मीदवार के बारे में आपको उनकी इनसाइड स्टोरीज लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या सोचकर उनकी पार्टियों ने उन पर दाव खेलने का मन बनाया है। ये ईस्ट दिल्ली की दास्तान थी, जहाँ से पिछले 2-3 दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये उनका सबसे बड़ा बलिदान है कि एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने मतलब सामान्य सीट से उतारा है, और ये इतिहास है। और क्या है इतिहास के पीछे ये सच्चाई, वो आज आम जनता को, दिल्ली की जनता को शायद थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, जिस काम में भी है वो बहुत पारंगत है और बहुत अच्छी बात है। हम हर एक धर्म का, हर काम का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी बात को ढिंडोरा पीटा जाता है, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का, जो चाय बेचने वाला हो या सब्जी बेचने वाले का बच्चा, पढ़ लिख कर IAS अधिकारी बन जाता है, तो क्या वो उसका बच्चा अपने पिताजी से वो सब्जी बिकवाएगा? या ऑटो में चलाने वाले का बच्चा अगर कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो क्या वो व्यक्ति अपने बच्चे, अपने पिता से ऑटो चलवाएगा? ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में भी कि जिनके पिता या उनके माता पिता एक बहुत ज़मीनी स्तर का काम करते थे, लेकिन जब बुलंदियाँ छुई, उन्होंने आकाश छुआ, तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी उस गर्त में से उठाया और उनको भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी
जीने का मौका दिया। बात वही है कि आज से पहले ये बात क्यों नहीं निकल कर आई कि कुलदीप कुमार जी के पिताजी एक सफाई कर्मचारी हैं, उनको झाड़ू लगाते हुए दिखाया क्यों नहीं गया आज से पहले? क्या ये केवल और केवल एक प्रचार की पद्धति तो नहीं थी, या एक जनता का के साथ जो इमोशनल कार्ड खेलने की बात तो नहीं थी? शीघ्र मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की इनसाइड स्टोरीज को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए इतना ही। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।